दोस्तों लेट नाइट हो गई है, अभी प्रेम मामा के यहाँ पहुंचे हैं। देखो 7 दिनों तक बर्फ ऐसे ही जमी रही। ड्राइवर साहब क्या क्या? हेलो, और ये मेरा भाई है, सिंगल है, 12 बता जा रहा हूँ, उसकी लड़की देख रहे हैं हम। ये देखो छोटे से बेबी के साथ ही, क्या नाम है उसका? वही मिलूंगा तुमको। ओके ओके, अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इसके बारे में। देखो हमने सुबह आपको दिखाया था पहले, विपिन तो ब्रश करने में लगा हुआ है। आज एक सरप्राइज। सरप्राइज चीड़ के पेड़ पे बांधा जाता है। कुशल मंगल, सब कुशल मंगल। चलो और नानी सबको ऐसे कर दो हाय। ये ठंडे दिखाओ अपने नाक। ये हुई ना बात। ये दोस्तों लेट नाइट हो गई है, अभी प्रेम मामा के यहाँ पहुंचे हैं। देखो अंदर कौन कौन बैठा हुआ है। यहाँ से मैं अंदर घुस रहा हूँ कमरे के अंदर। ठंड नहीं है, ये प्रेम मामा बैठे हैं। हेलो नमस्कार, अभी मैं जरा बिजी हूँ। अच्छा ठीक है, ये तो हमारा वही खिलाड़ी है। मामा नीचे नहीं आएगा। और यहाँ दीपू मामा बैठे हैं, आराम से शादी खा के आए हैं। हाय गाइस, और मामा जी कैसे रही शादी? बढ़िया, टॉप टॉप, सॉलिड या लिक्विड? लिमिटेड। और इनसे मिलिए, जैसा मैंने बताया था पूरे ब्लॉग में, तो हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं रात को मामा जी के यहाँ। डिनर किया है, आप मिल चुके हैं ऑलरेडी। मामी को बाद में दिखाऊंगा, डिनर कर रही है अभी। और देखा मेरे चेहरे पे इसने लाइट जा रही है ना, अच्छा आ नहीं रहा था व्यू। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इसके बारे में। देखो हमने सुबह आपको दिखाया था पहले पार्ट में, तो भारी में ये चिलम है, और ये विनीत पीछे से मेरे को एक्सपोजर देता हुआ मेरा चेहरा, ताकि अच्छा लगे ब्लॉग में, अच्छा लगू, स्मार्ट लगू, ताकि आप लोग हमारे ब्लॉग को देख सके बराबर। और यहाँ पर देखिए मामा जी क्या कर रहे हैं। मामा जी इसमें बोलते हैं साजुल में हुक्के के अंदर भर रहे हैं कोयला, ताकि उसको गुड़गुड़ कर सके बाद में हम लोग, मतलब हम लोग तो नहीं, मतलब जो लोग करना चाहते हैं वो लोग करेंगे। फिलहाल वो जो कर रहे हैं उनको देखना, ये इम्पोर्टेंट है। देखो ये डाल दिया, देखो गर्म गर्म डाल दिया कोयला। और ये देखो देखो कितनी फायर चल रही है, गजब की। एकदम सल के तो 30 रन बनाया इसने, मैच रिकॉर्ड ने। और ये देखो ये यहाँ पर बैठ के मैच देखे जा रहे हैं मामा और ये विपिन, और मामी अभी आएंगी थोड़ी देर में, और ईशो और अंशुल भी आएंगे। और ये देखो मैं तो आपका हम सफर वही हूँ जो रात भर दिन भर आपसे बातें करता रहता है। और ये मेरा भाई है, सिंगल है, 12 बता जा रहा हूँ, उसकी लड़की देख रहे हैं आप। वो नहीं, ये वाला, वो तो छोटा है अभी। संत रे तू माजे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए जूनागढ़ी से आपको रात को चांद दिखाता हूँ, बड़ा प्यारा लग रहा था यार। हाय दोस्तों, डे 4 में आपका स्वागत है। आज सुबह के 6:30 बज रहे हैं, और यहाँ पर ये फोन लगा हुआ टाइम लैप्स के लिए, और वहां पर भी एक फोन लगा टाइम लैप्स के लिए। यहाँ सन राइज होगा तो उसका टाइम लैप्स मोमेंट लिया जाएगा। और आपको व्यू दिखाता हूँ पीछे का, सुबह सुबह का नजारा कैसा है। यहाँ पर विपिन तो ब्रश करने में लगा हुआ है। हाँ विपिन, ब्रश कर रहा है? फैसला होगा, दाढ़ी फ्रेश कर रहा। और ये अंशु कहाँ जा रहा है? आए बस आए बोल के चला जा रहा, बात नहीं कर रहा। तो दोस्तों कोई बात नहीं, मैं आपको अभी नजारा दिखाता हूँ। सूर्य उदय भी नहीं हुआ है, जैसे ही सूर्य उदय होगा उसका वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगा। और हमारी कोशिश ये रही कि आज के दिन में हम आपको दूसरे गांव की सैर कराएं, और एक फंक्शन में भी ले जाएं, जहां शादी के एक दिन पहले न्यूतेर फंक्शन होता है, वहां भी हमको जाना है विपिन के गांव में, सिम गांव में। तो वहां भी हम लोग चलेंगे और देखेंगे वहां पर कैसे कैसे न्यूतेर होते हैं। उत्तराखंड की शादी लाइफस्टाइल के बारे में भी आज जानकारी मिलेगी आपको। दोस्तों बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में, और जुड़े रहिएगा अपने हम सफर आशीष रावत के साथ। तो दोस्तों यहाँ सूर्य उदय होने वाला है, और हम लोग यहाँ वीडियोज बना रहे हैं, टाइम लैप्स बना रहे, जैसे मैंने आपको बताया था। और आज एक सरप्राइज। सरप्राइज और आज आप वेडिंग एनिवर्सरी। वेडिंग एनिवर्सरी किसकी? बड़े मामा की। अच्छा प्रेम मामा की। हाँ अच्छा, मामा मामी को सरप्राइज देते हैं, नहीं लेते हैं? हमारे सरप्राइज हो गया। हमारे सरप्राइज हो गया। अच्छा
तो कहाँ हैं वो लोग? चलो विश करते हैं। आया बिल्कुल। चलो जी, ये हमारे मामा जी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मामी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसके मम्मी पापा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज के लिए कोई कार्यक्रम स्पेशल, मामा ने बोला आज मैं बनाऊंगा खाना, शादी की सालगिरह आज मैं बनाऊंगा खाना। मामी ने बोला नहीं, हर काम हमने साथ मिलकर किया था, मैं भी बनाऊंगी साथ में, तुम अकेले मत बनाना। मैं रोटी बनाऊंगी। दोस्तों यहाँ देखो स्पेशल रोटी बनाई जा रही है मंडवे की। ये यीशु बैठा हुआ है, बस हाय कर, कुछ बोल मत। बोल बोल, कैसे हो आप सब? कुछ तो बोल। कैसे आप सब? बहुत बढ़िया है हम, बहुत बढ़िया। अब आप बताओ, स्कूल जाना है? हाँ। अच्छा, और लंच लेके जाना है? नहीं। लंच नहीं आना, लंच करके जाना है। कितने बजे आएगा वो स्कूल से वापस? 3:30 बजे आ जाएगा। और खाना 4 बजे खाएगा? दिन में नहीं खाएगा? फिर लंच में नहीं खाते? भैया को ला के खाते हैं। अच्छा, आके हो जाता है तब? मतलब तुम्हें तो भूख तो नहीं लगती? लगती होगी तो क्या भूभू करते हो? कुछ नहीं करते। दोस्तों ये दीपू मामा की छन्नी है, और ये यहाँ पर अंदर कोई है? देखते अंदर कोई है या नहीं है। आओ चलो कैमरा लेकर चला जाए। एक भैंस है यहाँ पे जो दिखाई नहीं दे रही हमको, हमें टॉर्च मारना भैंस पे। हाँ, यहाँ एक भैंस है अभी फिलहाल के लिए। हाँ दोस्तों, अंदर मामा की एक भैंस है, उसका नाम भूरी है, और ये प्रेम मामा की छन्नी है, और अभी सब लगता है अंदर है, क्योंकि ठंड का टाइम है ना, सुबह सुबह सब अंदर रहती है ना गाय भैंसे, तो अंदर रखी हुई है, अंदर भी होंगी। चलो अंदर लेके चलता हूँ। एक यहाँ पर है, ये काली 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 है, ये बच्चा है। अच्छा, काली का बच्चा है, पाल है। दो बल्द है उधर, बल्द ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा ना। चलो कोई नहीं, दोस्तों दिखाई नहीं दी होंगी आपको, दो बल्द थे वहाँ पर, एक भैंस थी और उसका बच्चा था, और अभी अंधेरा है इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। अभी जैसे उजाला होगा बाहर निकाला जाएगा उनको, फिर उनको खाना वाना दिया जाएगा। और ये छन्नी है, यहीं पर ही वो लोग रहते हैं, अपना खाना वाना करते हैं। ये मेरा मन बताओ, खाद खाद होती है? हाँ, अच्छा, इकट्ठा किया जाता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, फिर ये सड़ता है। हाँ, सड़ के फिर ये खाद बनती है। अच्छा अच्छा, क्या ये देखो घास के खुम्ब है ये ना, ये वाले, और इसको क्या करते हैं? ये जो घास आती है इसको इकट्ठा करके, हाँ, एक टैल बोलता है, हाँ, चीड़ का पेड़ का होता है, उसे काट के, अच्छा, उसे खड़ा किया जाता है, हाँ, उसके साथ उसको बांध दिया जाता है। अच्छा, तो ये घास सड़ता नहीं है, सड़ने नहीं लगता। अच्छा, ये 4-5 महीने अभी सर्दियों में ये घास यूज करेंगे। अच्छा, ये घास किस लिए यूज होती है ज्यादातर? ये घास होती है जो घास कट जाती है सड़े ना, तो इसलिए इसको बांध के रखते हैं। फिर इसको बांधने के बाद अभी सर्दी में घास नहीं होती, अभी नई फसल जब होगी। अच्छा अच्छा, तो ये घास चलेगी। अच्छा, ये चारे के लिए? चारे के लिए। अच्छा, गाय के चारे के लिए ये घास? चारे के लिए इसको। ये वाली भाई साहब, ये खराब नहीं होती है, 5-6 महीने चल जाती है, क्योंकि ये चीड़ का पेड़ डंडा है उसमें ये खड़ी रहती है। तो अभी जैसे मौसम नहीं है फसल का, तो ये इस मौसम में भी, सर्दी के मौसम में टिकी रहेगी, और ये गाय भैंसों का चारा बना रहेगा, है ना? ठीक है। क्या आजा, मैं तुझे दिखाता हूँ। अच्छा, जो बात कर रहा था, कौन सा घास था जिसके बारे में बात की थी हमने? दोस्तों ये घास है, ये है, इसको चीड़ के पेड़ पे बांधा जाता है, और ये सूख जाता है सूखने के बाद। सूखने के बाद इसको बाद में अभी सर्दियों में, हाँ, जब बर्फ पड़ती है इसको यहाँ पर सुखा दिया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर देखो अभी ये सूख गया है, सर्दियों में जब बर्फ पड़ती है, अब ये सूख चुका है, ये काफी टाइम से था घास, और अब ये गाय भैंसों के लिए चारा है, और ये काफी टाइम पहले से सुखाया गया था, खराब भी नहीं हुआ है, अब सूख गया है, तो गाय भैंसे इसको आराम से खा सकती है ना, ऐसे ही ना।
दोस्तों दीपू मामा अपनी भैंस को बाहर निकालने गए हैं उनका, मैं आपको शॉट दिखाता हूँ। ये देखो भैंस आ गई है, वो भागी उधर को, अपनी जगह में पहुंच चुकी है। देखो ये है भूरी। हाय भूरी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। यहाँ क्या करने आए हो? ओ हम वीडियो बना रहे थे थोड़ी सी। अच्छा, मैं भी एक वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ। तो आपकी तो वीडियो बना रहा हूँ मैं। और सब ठीक ठाक, कुशल मंगल? हाँ सब कुशल मंगल, चलो बहुत बढ़िया। अब मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों शादी की सालगिरह हमने विश कर दी है, अब उनका जो प्लान होगा, उनका स्पेशल प्लान है, पर्सनल प्लान है, उसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपको बता सकते हैं, बट यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी है देखने वाली। अब ये विश करने लग गया। से हाय टू एवरीवन। यहाँ पर प्रेम मामा की मम्मी है यहाँ पे, और नानी सबको ऐसे कर दो हाय। ये ठंडे हाथ बाहर निकालने पड़े। नाश्ता पानी होगा? अभी नहीं हुआ। चलो ठीक है दोस्तों, आपको मिला चुका हूँ प्रेमा की मम्मी से, राइट। और आगे बढ़ते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं, जुन्ने गढ़ी के लोगों से। बोलोगे सालगिरह मुबारक हो एक दूसरे को? वो बोला दोस्तों चौथे दिन में प्रेमा के यहाँ से निकल गया, मौसा जी के वापस पहुँच चुके हैं, और कभी भी आओ कभी जाओ सेवा। और यहाँ पर ये दोनों कपल, स्वीट कपल्स गप्पे लड़ा रहे हैं, प्यार भरी बातें कर रहे हैं, यहाँ पर धूप के मजे लेते हुए। नहीं हंसना, थोड़ा कम हंसना है। जल्दी कर, कब खिंचाएगा? अच्छा ठीक है, देखो मौसी की नाक में क्या लगा, देखना, देखो तो मौसा को तो देख। दोस्तों यहाँ का नजारा आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसे यही जगह है, सेम जगह है, 2019 में इसी जगह पे बर्फ पड़ी थी। मैं आपको पुरानी वीडियो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए। 7 दिनों तक यहाँ से बर्फ साफ करते लोग, सफाई नहीं कर पाए भाई साहब। 7 दिनों तक बर्फ पड़ती रही, भयंकर बर्फ। यही छत है, देखो सेम घर है मौसा जी का। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मौसा जी का चलो कोई आया वहां से लेने चलते हैं, तो मौसा जी का नाती आ रखा है उसको लेने के लिए। मौसा जी का चल आशीष चल वीडियो बना मेरी, मैंने वीडियो ड्राइवर स्टार्ट कर दिया और यहाँ बच्चे हमको मिल चुके हैं रास्ते में। हेलो हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो? ये साइकिल सीधी रखो, गिराया मत करना, हाँ गिर जाती है बार बार। उसे यहाँ पहाड़ों के रास्ते ऐसे हैं ना कि कोई बीमार नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर नीचे ऐसे रास्ते हैं, अच्छा खासा इंसान चल जाता है, अच्छे खासा वर्कआउट हो जाता है, बीमार होने का कोई चांस नहीं है, पेट बिल्कुल साफ हो जाता है, फ्रेश हवा होती है, और यहाँ रहने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों ये गाँव बिल्कुल टॉप पे, यहाँ से हिमालय बिल्कुल साफ दिखाई देता है। चलिए मेरी गाड़ी पहुँच चुके लगता है लोग। दोस्तों यहाँ पर अयांश को लेने के लिए आए हैं, ये लोग दिल्ली से आए हैं अभी, अयांश को और मीना को मौसा जी ने कहा चलो लेकर आते हैं, तो यहाँ पहुँचे अभी। और ये देखो मिस्टर आयांश नींद में, अमीना कैसे बच्चे उठ गए? ये आंटी है, ये अंकल हैं, बस ये उल्टी बात नहीं करेंगे। चले गए उल्टे ड्राइवर साहब के का। अच्छा देख रहे हो कुछ? दोस्तों यहाँ पर ड्राइवर साहब अपनी गाड़ी को चेक कर रहे हैं, गाड़ी में सब ठीक ठाक है नहीं है, तो इनको अब जाएंगे पप्पू के पापा, ये पप्पू और मीना मिस्टर पप्पू केदार की वाइफ, और उनका यांश छोटा बेबी। ये चलो लेट्स गो। दोस्तों यहाँ देखो फिर से हमारी बहन लता जी मिल गई है यहाँ पे हमको अंधेरे में। ये क्या कर रही है? ये देखो छोटे से बेबी के साथ में, क्या नाम है इसका? कुछ नहीं है, तो बहुत सारे है। इसका नाम है कुछ नहीं बहुत सारा। ये तो बहुत सारे, किस किस का नाम रखूं मैं? इसकी शक्ल राखी जैसी लगती है। 1 2 3 4 रख दे, सो थोड़ी 1 2 3 4। तो इसका नाम कुछ नहीं बहुत सारा है, और कुछ नहीं बहुत सारा कैसा है? ठीक है बाबू, अच्छा है? चलो एक फोटो हो जाए हमारे साथ में। नहीं नहीं हमें काट मत लेना, चलो चला जाए, ठीक है, चलो बाय कर दो। क्या करो, कितनी बार बाय कराओगे? कल भी तो कराया था। ड्राइवर बन गए हैं। दोस्तों यहाँ के रास्ते तो आपने देख ही लेंगे, ऊपर नीचे रास्ते हैं, और लेकिन चन्नी मामा जो हमको चन्नी में मिले थे, तो वो अभी स्कूटी तैयारी कर रहे हैं। देखो स्कूटी ले आएंगे यहाँ से। ठीक ठीक सराय के जा रहे हो? तुम
आप जाओगे दिल्ली? कल सुबह निकलेंगे, वहीं मिलूंगा तुमको। ओके ओके, पक्का पक्का पक्का, दिन को आना, सब आएंगे। ठीक है, ओके मामा जी, ठीक है मामा जी, ओके बाबा।